जनपद संभल की चंदौसी में सेवा बहाल की मांग करते हुए संविदा विद्युत कर्मी हड़ताल पर बैठी। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के फवारा चौक का है, जहां पर विद्युत विभाग में संविदा पर तैनात रही महिला कर्मी मंजू अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गयी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई है, साथ ही न उनका ईपीएफ का भुगतान किया गया। मेरा नाम मंजू है। भूख हड़ताल पर क्यों बैठी हैं? भूख हड़ताल पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं सन 2018 से बिजली विभाग में काम कर रही थी। सन 2019 में हमारे ऑफिस में नए पुनीत दुबे जी आते हैं, और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से पता ना उन्हें मेरी जातिगत लेके इतना भेदभाव रखा है उन्होंने कि 24 घंटे की आप इधर ना बैठो, आप मेरे ऑफिस में मत आओ, आप ये मत करो, आप वो मत छुओ। मैंने उनका अनुसरण करा, इतने पे भी उनका हमारे महोदय जी का मन नहीं भरा तो जगह पे जगह अपने साथ वालों को आंख मारते हुए कि मैडम आपको ये सुनाई दे जाता है, मैडम आप ऐसे ये कैसे कर लेती हो। मैंने फिर भी उसके टालती रही, मैंने चलो अधिकारी से कहने दो। सुनाई वाली बात क्यों कहते हैं वो? ये उनसे पूछो ना, मेरा क्योंकि कान से दिव्यांग हूँ ना मैं, इसलिए मेरी दिव्यांगता का उसने मजाक बनाया, मेरी जातिगत को लेकर वो बातें बनाता था। इसके बाद भी जो पहली बार लॉकडाउन लगा था उसने मुझसे साफ अपने जय साहब से कह दिया कि मंजू जब मर चाहे सिम बंद कर लेती है, इससे सिम ले लो। मैंने उनसे कहा साबित कर दीजिए, आप साबित कर दीजिए या आप लिखित में ले लीजिए। उसकी सारी बातें फेल हो गई तो उस समय तो चुप लगा गया। फिर उसकी दूसरी बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें भी उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, तो SDO ऑफिस में झगड़ा भी हुआ था जिसमें मेरे संविदाकर्मी बीच में पड़े थे, समझौता करवाया था। जब उसके हो जाने के बाद अब जो नई कंपनी आई तो उसने अपनी भड़ास निकालने के लिए संविदा जो हमारे नया कंपनी का सुपरवाइजर था भरत कुमार उससे साठगांठ कर ली। सुपरवाइजर की 5 फरवरी को मेरे पर रिकॉर्डिंग भी है, उनने मुझे जे तो बताया कि मुझे कहाँ काम करती हूँ क्या करती हूँ वो मिलना चाहता, उसने ही नहीं बताया, मुझे निकाल दिया। मैं काम करती रही 5 फरवरी तक, मैं पूरी फरवरी काम करा। 2 मार्च को सरकारी सिम बंद हो गया, मैंने 9 मार्च को लिखित में कंप्लेंट दी थी। हमारे पुनीत नितिन पारासर भैया हैं वो बेचारे मेरे फेवर में गए थे, उन्होंने देख के आए थे, उन्होंने मोहर भी लगाई अधिकारियों ने, तब भी नहीं बताया, नितिन भैया को भी नहीं बताया कि मुझे निकाल दिया, तो मुझे तो सपने नहीं आ रहे थे। फिर जब हमारे संविदा कर्मियों ने जो नए पुराने कर्मचारी हैं नई कंपनी को जो अपना डाटा देने गए थे तो मुझसे कहा कि बहन जी आप हमें दे दो, हम आपका डाटा आपका दे देंगे। मैंने डाटा दे दिया, मेरा डाटा भी उन्होंने रख लिया। मैं काम करती रही पूरी फरवरी काम करा, पूरी जनवरी काम करा, वो फरवरी काम करा, पूरी मार्च काम करा, अप्रैल में सबकी सैलरी आई। जब सबकी सैलरी आई मेरी सैलरी नहीं आई, मैंने जय साहब से पूछा वरुण कुमार से, तब वरुण कुमार ने मौखिक रूप से बताया कि मुझे निकाल दिया गया, मुझे मैं विभाग में नहीं हूँ। तब मैंने 14 अप्रैल को जो हमारे बाबा भीम साहब का अम्बेडकर जीत था, मैं उस दिन भी भूख हड़ताल पर बैठी थी जिसकी आपने खुद ही वाइट ली थी और अखबार में भी मेरी निकली थी। उस समय एक्शन साहब महोदय ने आश्वासन दिया था कि आपकी कोई गलती नहीं है, मैं करवा दूंगा। तो पुरानी कंपनी से सैलरी तो दिलवा दी, पुरानी कंपनी से ना मेरा EPF क्लियर हुआ आज तक, ना नई कंपनी से सैलरी मिली है, ना मुझे कुछ बताया गया है। अतः मुझे मेरी 3-4 मांगे हैं कि मुझे पुरानी कंपनी से EPF क्लियर करवाया जाए, नई कंपनी से सैलरी दिलवाई जाए। अच्छा मृत्यु इसलिए मांगी थी क्योंकि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली, प्रधानमंत्री पोर्टल पर भी डाली, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी मेरी। कोई सुनवाई ना होने के बाद भी फिर मैंने लिखित में कंप्लेंट डाली, फिर जब कोई सुनवाई नहीं हो रही तो हार के मैंने राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु मांग दी कि या तो मुझे न्याय दिलवा दो, न्याय दिलवा ना सको तो मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोर्टों को शायद जीने का अधिकार नहीं है, ऐसी कोर्टों को दिव्यांग को था मुझे लगता है भाजपा राज में जीने का अधिकार नहीं है।